हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि 51 अमीनो एसिड से बना होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तब इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? इंसुलिन हमारी जो बॉडी में बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स जो पाई जाती हैं उसी से सिक्रीट होता है। बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। और बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? तो बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में पाया जाता है। हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है उसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, गामा सेल्स, तीनों सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें से जो बीटा सेल्स होती हैं उसका काम क्या होता है? इंसुलिन का सिक्रीशन। तो इंसुलिन जो सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, जो निकलता है इंसुलिन, वो एक इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है जिसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। क्लियर? फिर हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की, जो हमारा आज का टॉपिक है। हाइपर का मतलब हम सभी जानते हैं कि हाई, सिक्रीशन का मतलब निकलना, इंसुलिन का मतलब तो इंसुलिन आप जान ही रहे हैं कि हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। तो इसका कहना ये हुआ कि इंसुलिन का सिक्रीशन हाई अमाउंट में जब होता है तब क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, इंसुलिन ज़्यादा निकलती है, तो क्या होता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको ये घटाना शुरू कर देता है, यानी कि डिक्रीज करना शुरू कर देता है, जिससे कि क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काज हाइपोग्लाइसीमिया, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज इन ब्लड। तो हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, इसी को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इट काजेज मोर ग्लूकोज इन टेक बाई मोस्ट बॉडी सेल्स एंड इन्हांस ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर एंड मसल। इससे क्या होता है, जब इंसुलिन हाई अमाउंट में सिक्रीट होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा ज़्यादा इंटेक कर लिया जाता है। ज़्यादा इंटेक किया जाता है और इन्हांस ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है आप लोग समझिए, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रकार की प्रोसेस होती है। इसमें यह होता है कि जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में पाया जाता है ये डिसोसिएट होता है, टूटता है। किस में टूटता है? शुगर, फ्रक्टोज और सुक्रोज में। इसके बाद क्या होता है, ये डिसोसिएट होकर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस होती कहाँ है, हमारे बॉडी में कहाँ होती है? तो ये होती है हमारे बॉडी में लीवर एंड मसल में। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स की। इसमें सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है
तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रही है। तो पहला जो इसका सिम्टम है वीकनेस, वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी। इसके जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो इससे हमारी बॉडी में कमज़ोरी फील होने लगती है हमको। इसके बाद दूसरा सिम्टम जो है प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना, प्रोफ्यूज का मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में पसीना आना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी का मतलब होता है इरिटेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इरिटेशन का मतलब होता है जलन है, इसी को इसी से लिया गया है इरेटेबिलिटी। फिर बात करते हैं हम कन्फ्यूजन, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमको कन्फ्यूजन सा फील होने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का मतलब यह होता है कि बेहोशी। तो इसमें जब क्या होता है, इसमें बेहोशी आ जाती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कन्वल्जन, कन्वल्जन का मतलब यह होता है कि ऐठन, जैसे कि हाथ पैर में ऐठन होने लगती है जब ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, इंसुलिन इंक्रीज होती है तो क्या होता है, कन्वल्जन होता है। कन्वल्जन का मतलब ऐठन होने लगती है, यानी कि पेशेंट के हाथ पैर में ऐठन स्टार्ट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमने नोट करके उसको डिफाइन किया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूड एक्सेस ऑफ इंसुलिन इन ब्लड काज इंसुलिन शॉक। इसके कहने का मतलब ये है कि जब इंसुलिन हमारे ब्लड में लगातार बढ़ता रहेगा तो क्या होता है, इंसुलिन शॉक होता है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हमारे ब्लड में लगातार बढ़ता है तो इससे इंसुलिन शॉक काज होता है। इट नीड्स अर्जेंट टेक ऑफ शुगर एंड ग्लूकोज, तब हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, शुगर एंड ग्लूकोज, यानी कि मीठे चीज़ की ज़रूरत होती है। या तो हम उसको इनटेक कर लें, खा के लें, ओरली लें, या फिर हमको पेरेंटली भी दिया जा सकता है। तो ये रहा हमारा टॉपिक हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। हमें होप है, उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।